यहाँ के जो स्थानीय सांसद विधायक है, मैं उनसे भी उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ और ये घटना का सूचना मैं अपने लाइव के माध्यम से उन तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। खंड अकबरपुर पड़ता है, ग्राम पिथौरी। यहाँ एक बच्चा भैया 22 वर्षीय लड़का रोड एक्सीडेंट में भैया मौत हो गया है कल। हेलो। हाँ संजय जी। चंदन भैया नमस्ते, प्रणाम। अच्छा अच्छा बढ़िया भैया। अभी थोड़ा सा हम प्रखंड अकबरपुर पड़ता है, ग्राम पिथौरी। यहाँ एक बच्चा भैया 22 वर्षीय लड़का रोड एक्सीडेंट में भैया मौत हो गया है कल। जी, तभी हम वहीं पे आए हुए भैया, उनके परिजन लोग यहाँ पे हैं, तो थोड़ा सा ये सूचना आपके पास नहीं गया था, तो इसलिए हम अपने लाइव के माध्यम से भैया आपको सूचना दे देते हैं कि थोड़ा सा दुख के घड़ी में थोड़ा सा भैया गरीब परिवार हैं, तो थोड़ा सा कुछ मदद हो जाएगा तो इन लोग को थोड़ा सा आगे कुछ सहारा बन जाएगा। ठीक समझिए। अबे ये खबर ऐसा है ना, जी पोस्टमार्टम हुआ है जी पोस्टमार्टम और सब हो गया है भैया, एक्सीडेंट। ये वीडियो सीओ पास जी जी साफ फाइल ले लें, पोस्टमार्टम खरीद हो जा जाए तब हमको फोन करें। अच्छा, एक बार उनके परिजन से पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये खत्म हमको फोन करें। जी जी जो लड़का डेट किए हैं भैया, उनके बड़ा भाई यहाँ पे, थोड़ा सा 2 मिनट बात कर लीजिए, बोलिए। जी प्रणाम सर। ये बताए हो गया है ना? जी सर। जब भगवान खातिर है आप ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट एफ आई आर खाकोपी ये दोनों ये अखबार आखिर नवाजा में हमसे मिली है ना? जी जी। इसे बाबू उसमें जांच मिल जाता है, हवाई आमद एफ आई आर ये खबर है। जी हो रखा है एफ आई आर पोस्टमार्टम ये सारा है। सभी तो चाहिए रात से अखबार आखिर में उससे नहीं है ना? जी ठीक। क्या नाम है आपका? राजकुमार नाम हुआ हमारा सर, राजकुमार। हाँ ठीक है, है ना? जी 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 ठीक है भैया। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हमारे साथ नवादा के संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री चंदन सिंह जी थे, अभी मैं उनसे बात किया हूं, बात करके जो पीड़ित परिवार थे मैं उनसे बात करवाया हूं और जल्द से जल्द चंदन सिंह सांसद के द्वारा मुआवजा देने की बात कही गई है। हालांकि उनके द्वारा ये सूचना भी इन लोग के द्वारा नहीं दिया गया था, नहीं तो अगर सूचना उनको मिलता तो जल्द से जल्द पीड़ित परिवार से मिलने के लिए ज़रूर आते। और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे लाइव के माध्यम से कि अभी मैं चंदन सिंह से बात करवाया हूँ और उन्होंने परिवार को संतावना दिया है कि जहां तक होगा मैं आर्थिक मदद करूंगा और सरकार के द्वारा भी जो होगा मैं मदद करने का प्रयास करूंगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यहां के जो स्थानीय लोग हैं मैं उनसे भी बात करता हूं और सबसे बड़ी बात है कि अभी मैं नवादा जिला में और नवादा जिला के सबसे बड़े एक और भोजपुरी के सुपर स्टार और मघी के सुपर स्टार गुंजन सिंह जी है जो कि नवादा जिला के ही हैं। जी नवादा जी। मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करता हूँ और उनको भी मैं ये सूचना देता हूँ कि आपके क्षेत्र में इस प्रकार का घटना घटा है। हालांकि मैं उनसे भी अभी बात करता हूँ और बात करके मैं पूछने का प्रयास करता हूं कि इस प्रकार का सूचना आपको मिला है कि नहीं मिला है। अभी हम भोजपुरी के सुपरस्टार गुंजन सिंह जी को कॉल लगाते हैं लाइव के माध्यम से, अब लाइव में बने रहें और जो पीड़ित परिवार हैं इस प्रकार का जो घटना हुआ है मैं उनको सूचना देने का प्रयास करता हूं। हालांकि जो इस प्रकार का घटना है बहुत ही दर्दनाक घटना है, कभी किसी के साथ इस प्रकार का घटना ना हो। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि मैं जिस जगह पे हूं, ग्राम पिथौरी में हूं और पिथौरी में लाइव के माध्यम से मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा लाइव में आप लोग जुड़े रहिए और अपने न्यूज चैनल के माध्यम से जिस प्रकार से ये घटना घटा है कभी किसी के साथ इस प्रकार का घटना नहीं होना चाहिए।